ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीएम मोदी ने एक बार फिर अपनी पहल से सबका दिल जीत लिया। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर में ठंड के कारण नंगे पांव काम करने वाले कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पीएम मोदी ने कर्मचारियों की इस परेशानी को समझा और दिल्ली से सभी कर्मचारियों के लिए एक खास तोहफा भेजा। आपको बता दें कि पीएम मोदी के निर्देश के बाद दिल्ली से जूट के 100 जूते सभी कर्मचारियों के लिए भेजे गए। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने मंदिर में कार्य कर रहे शास्त्री पुजारी, सीआरपीएफ जवान, पुलिसकर्मी, सेवादार और सफाई कर्मियों को पीएम द्वारा भेजे गए खास जूते वितरित किए। अब ये सभी जूट का जूता पहनकर मंदिर में अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। इसमें जैसा कि आप लोगों सबको जानकारी है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के बनने के पश्चात काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने आ रहे हैं और काशी विश्वनाथ धाम के जो मुख्य परिसर है उसके अंदर अब जूते चप्पल का प्रवेश निषेध है। तो ये चर्चा चल रही थी कि जो हमारे सुरक्षाकर्मी, जो हमारे पुजारी, हमारे सफाईकर्मी मेन मंदिर परिसर के अंदर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं उनको लंबी अवधि के लिए वहाँ पर खड़ा होना करना पड़ता है या चलना फिरना पड़ता है, तो उनको नंगे पांव उस कर्तव्य का निर्वहन में कठिनाई आ रही थी। तो हम लोग ने ये विचार किया कि उनको कुछ खड़ाव या अन्य विकल्पों पर विचार चल रहा था, लेकिन विभिन्न स्रोतों से माननीय प्रधानमंत्री जी को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इस बात को ये गंभीरता से लिया और उन्होंने अपने स्वयं से खुद वहाँ से जूट के जो जूते बनते हैं उसका काफ़ी बड़ी संख्या में मंदिर को वहाँ से भेजा गया दिल्ली से। दरअसल मंदिर परिसर में चमड़े या रबड़ से निर्मित जूते चप्पल के साथ प्रवेश प्रतिबंधित है, लिहाजा उन्हें नंगे पांव ही पूरी ड्यूटी करनी पड़ती थी। हालांकि कुछ कर्मचारी खड़ाव पहनकर काम करते थे, मगर इससे पहनना थोड़ा मुश्किल भी होता है। कर्मचारियों की इन्हीं परेशानी को देखते हुए पीएम मोदी ने कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए खास जूट का जूता भिजवाए, जिसे पाकर कर्मचारी काफी खुश नजर आए। जिसका आज वितरण का कार्यक्रम हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, हमारे पुजारी अर्चकगण हैं, उनको सबका वितरण किया गया है और जिससे सभी लोग संतुष्ट भी हैं कि एक तो जो परंपरा है कि गंदगी की उससे भी छुटकारा मिलेगा और जो उनको अपना कर्तव्य निर्वहन करने में जो सर्दी गर्मी में कोई दिक्कतें आती थी वो भी नहीं रहेगी और आने वाले समय में जितने भी समस्त हमारे वहाँ पर लोग लगे रहते हैं विभिन्न अपने कार्यों में उन सभी को इस तरह की व्यवस्था से जोड़ा जाएगा जिससे कि जो एक मंदिर की गरिमा है वो भी बनी रहे, साथ साथ जो काम करने में व्यवहारिक कठिनाई आती है वो भी दिक्कत ना हो। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी काशी और यहाँ के लोगों की सुख सुविधाओं को लेकर बातचीत करते रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने खुद लोगों को फोन कर बातचीत की और तकलीफों को दूर करने का लगातार प्रयास किया। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के दौरान भी वो एक एक गतिविधियों की जानकारी लेते रहे। धाम के लोकार्पण के बाद सबसे पहले इसे बनाने वाले मजदूरों का पीएम मोदी ने सम्मान किया और अपने हाथों से उन फूलों की वर्षा की। यही नहीं, मजदूरों के साथ ही दोपहर का भोजन भी किया था। इससे मजदूर ही नहीं उनके परिवार वाले भी गदगद थे। अब एक बार फिर पीएम मोदी ने यहां के सेवादारों की सुध ली है। वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।